और आमिर खान, पीके में तुम्हारे साथ काम किया था ना यार, वो सुशांत भाई काम किए थे, तो एक ट्वीट भी नहीं कर सका ना। और चाइना जो भारतीय सेना को मारा चाइनीज लोगों ने, तो वहां के कोरोना और कोविड के लिए पूरा वीडियो बना के भेजा, क्यों? मेरा मूवी रिलीज होता है चाइना में, इसलिए। इंडिया तुमको तुम्हारी फैमिली को सेफ नहीं लगता है, और जो आदमी चला गया तुम उसके लिए ट्वीट नहीं कर सकते, तुम्हारा स्टार्ट है। तो सुशांत भाई हम लोग के बीच नहीं रहे, कुछ वैसे लोग हैं जिनके बारे में उनकी रियलिटी बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो कीड़ा है फिल्म लाइन का, राजीव मसंत, किसके पैसों पे पलता है वो, जब ऑल इंडिया बकचोद AIB के शो में नेपोटिज्म के पैदाइश के लोगों के सामने में अपना नंगा नाच करता है तो वो उसको अच्छा लगता है। और जब सुशांत भाई की केदारनाथ मूवी रिलीज हुई तो सबने सारा अली खान का बहुत बड़ाई किया, उसी को तो लॉन्च किया, और ये राजीव मसंत उनका काम समझ में नहीं आया था। तुम जो अपना AIB में पिछवाड़ा दिखा रहा था, लोग हंस रहे थे, वो तुमको पसंद आया था। तुम यंग जनरेशन को माँ बहन की गाली बता रहे हो, AIB का गाली जहाँ खत्म होता है ना, वहीं से बिहारियों का गाली शुरू होता है। अपन नहीं देंगे, तुम्हारे जैसे नहीं है। लेकिन तुम जो किया है ना, उसका भुगतान जब तुम्हारे फैमिली से, तुम्हारे घर से कोई ऐसे जाएगा ना, और जब तुम जस्टिस के लिए घूमता रहेगा ना, तो पब्लिक बोलेगा कि फैमिली का कोई है क्या? आपको चाहिए फैमिली आ गया है तो इंडिया की पब्लिक क्या परिवार नहीं है? इंडिया के लोग जो है भाई बहन नहीं है? आप लोग नेशनल, कुछ दिन पहले आप CBI जांच की मांग कर रही थी, और जब आपको मौका मिला टाइम्स में बोलने का, तो आप धराधर उनके फैमिली को डिमांड कर रही हैं। कल आई है ना रिया चक्रवर्ती फैमिली बन के, गर्लफ्रेंड बोली ना वो आके सोशल मीडिया पे, गर्लफ्रेंड है वो, लीजिए उनका कंसेंट, गर्लफ्रेंड है, बिजनेस पार्टनर भी है, आपको तो मालूम होगा, गूगल में सर्च कीजिए, 3-3 कंपनी में डायरेक्टर है, उनका कंसेंट लेके CBI के लिए फॉरवर्ड कीजिए। अब काहे का फैमिली का कंसेंट चाहिए? उनकी गर्लफ्रेंड आ गई है, रूम पार्टनर थी, उसने एक्सेप्ट किया है, उन्होंने अमित शाह जी को लिखा है, यहीं पे क्लियर हो गया फैमिली कौन है नहीं है। फैमिली फैमिली, और तुम उसके अगेंस्ट में बोल रहा है, जो नहीं है उसके बीच भी बोल रहा है ना। तो तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे घर से जब कोई जाएगा ना, तब तुमको पब्लिक बताएगी आगे, तुम्हारे घर से कोई जाने दो, फिर ये पब्लिक बताएगी। और रिया ने कंसेंट दिया है CBI जांच का, उससे पेपर में साइन लीजिए पहले कि वो बोले अकाउंट हैक हो गया है, और मूव कीजिए CBI के लिए। उसको मुंबई पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है। गृह मंत्री जी को ये नोट करना चाहिए महाराष्ट्र के, कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में, और रिया हम लोग को लीड कर रही है, वो हमारी लीडर है, तो अपने लीडर का बात मानते हैं, उनसे पेपर में साइन कराइए, वो बिजनेस में पार्टनर भी है, इस कंसेंट से CBI के लिए मूव कीजिए। अब बाकी जो जो उनको परेशान किया है, एक एक करके सबको नंगा करेंगे। और एकता कपूर, कुछ दिनों पहले तो तुम आर्मी, इंडियन आर्मी के ऊपर जो तुम्हारी XXX सीरीज आ रही थी, जो तुम प्रोड्यूस कर रही थी, और तुम्हारी मदर, यहाँ तुम बता रही थी कि आर्मी वाले लोग जब जॉब पे जाते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, तो उनकी वाइफ का किसी से अफेयर होता है, तो अपने बारे में बात कर रही थी क्या? तुम्हारे फैमिली में जैसे सब है, तुम्हारे फादर का अफेयर का मीटू में आया था एलिगेशन किसी कजन सिस्टर से, तुम्हारा भाई और तुम्हारा कैसा जनरेशन बढ़ रहा है तुमको तो ज्यादा मालूम है। मेरे घर से 3 लोग आर्मी में है, मेरी सिस्टर आर्मी में, 3 लोग आर्मी में मेरे घर से। तुम्हें पुलिस कंप्लेन मैंने किया था, है कॉपी मेरे पास। और तुम कोरोना में 10 लाख के ऊपर केस है, तुम एक, तुम्हारा काम नहीं देखा कोरोना में, कोविड में। हम लोग इंडियन आर्मी के साथ मिल मिल के जितना फूड बांटे, जो किए अपने लेवल पे किए, और तुम मेंटल अवेयरनेस पे भी तुम काम करने वाले हो पवित्र रिश्ता शो को लेके। और कब, जब सुशांत भाई नहीं है तब, उसके पहले नहीं सुझा था तुमको मेंटल अवेयरनेस? मतलब तुम लोग घोषित करना चाहते हो, पूरा पूरा कैंप जो है, पूरा बॉलीवुड घोषित करना चाहता है मेंटल उनको, कैंपेन कर रहे हो मेंटल अवेयरनेस पे। और हमको तो न्यूज चैनल पे शर्म आता है, न्यूज चैनल पे, न्यूज चैनल की नेगेटिव जो चीजें हैं मेंटल करके दिखाना क्या चाहते हो? और आगे आने वाले जो वो स्टार है ना, जिनका कोई बैकग्राउंड और गॉडफादर नहीं है, उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। आगे आ जाओ, हम लोग तो बोल रहे हैं, आगे हम लोग भी नहीं बोलेंगे। ये सब ड्रामा कम करो। तुम क्या पहनती हो और क्या करती हो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और तुम जो कल्चर TV पे दिखाती हो लोगों को शो बना बना के, और जो फॉलो लोग करते हैं ना तुम्हारा नंगा नाच और ये सब देख के, ये सब कम खत्म करो। तुमको माफी मांगना पड़ा था उस शो से, इंडियन आर्मी का डिलीट करना पड़ा था। सुधर जाओ, पब्लिक भारी पड़ जाएगी तुम लोगों पर। ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो कर रही हो, कहीं तुम्ही को नहीं ले जाना पड़े, देखना कहीं पागल खाने।